Hi guys, welcome back to YouTube channel. My name is Disha and I am Sana and we are the Dumb Dwarf. So guys, आज हम react करने वाले हैं एक बहुत ही amazing बयान पर. Yes guys, as you know कि हम बयान पर react करते हैं कभी-कभी. So this one is from मौलाना तारिक जमील साहब and उसका जो title है वो है माँ बाप very emotional बयान. So I guess guys ये इसमें पूरा माँ बाप की अहमियत sort of बताएंगे. फिर मतलब जो भी तो अभी हम देखने वाले हैं कि क्या होने वाला है इसमें. Yes. बाकी हमने इससे पहले भी रिएक्ट कर रखा है काफी सारे, लाइक अगर आपने नहीं देखे तो आप देख तो सकते आप हो. देख सकते हो हमने आई गेस दो तीन वीडियोस पे ही रिएक्ट करा है इनकी. बट हम बहुत कम बयान पे रिएक्ट करते हैं. पर हमने आज सोचा कि आज कुछ स्पेशल करते हैं तो इस वजह से हमने. हाँ, और इनकी एक अच्छी चीज ये है कि ये जो मतलब यू नो नॉलेज देते हैं एट द एंड ऑफ द वो, तो वो बहुत हमें लगते हैं कि यू नो इट स्टेज विद अस और मन करता है कि फॉलो करो. जैसे जाकिर नायक की होती है कि वो फैक्ट्स बताते हैं. हाँ एग्जैक्टली. बट ये ऐसे थोड़ा ना पूरा अच्छे चीजें तरीके समझाते हैं वैल्यूज. हाँ एग्जैक्टली. मतलब बड़े ऐसे पॉजिटिव पर्सन लगते हैं. तो अभी ज्यादा बातें नहीं करते क्योंकि बयान भी बहुत लंबा है. आप भी सुनोगे हमारे साथ और हमारी ये वीडियो पूरी देखना एंड तक. Yes guys, so without further ado, let's go and subscribe. Subscribe. ज़लील हो जा, ख़वार हो जा कि ये जन्नत का दरवाजा है जिसने सुबह सुबह अपने माँ बाप की ज्यारत कर ली, ना खिदमत की ना हाल पूछा, सिर्फ ज्यारत सिर्फ देखा और लौट गया. तो मेरा नबी कहता है सुबह से शाम तक उसके लिए जन्नत में दो दरवाजे खुल जाते. इदरीस का एक तो बाकी है, मेरे तो दोनों ही बंद हो चुके हैं. बदबخت है वो इंसान जिसे बूढ़े बाप माँ बाप मिले फिर उनकी दुआओं से जन्नत में न चला जाए. एक खातून ने पैगाम भेजा अल्लाह के नबी की खिदमत में, या रसूल अल्लाह मेरे खामिंद अलकमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी हैं, सहाबी सारी दुनिया के गौस अब्दाल कुतब इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी की थूक के बराबर नहीं हो सकती. और उन पर यह हाल आया कि उनकी बीवी ने पैगाम भेजा या रसूल अल्लाह अलकमा मौत की हालत में है, कलमा नहीं पढ़ा जा रहा. एक सादा सा आम मुसलमान बेचारा, कमजोर दर्जे के ईमान वाला भी कलमा पढ़ता हुआ जाता है और इतने बड़े सहाबी कलमा नहीं पढ़ा जा रहा. तो आपने पूछा मां बाप में कौन है? काजी मां. नाराज के राजी? काजी नाराज. फौरन उन्हें बुलवाया. अलकमा की मां, कहो तो मैं तेरे पास आ जाऊं, वो चाहे तो तू मेरे पास आ जा. कह या रसूल अल्लाह मैं आ रही हूं. आ गई. तुझे अलकमा से क्या शिकायत है? या रसूल अल्लाह मुझे उससे कोई शिकायत नहीं, उसके दीन की कोई शिकायत नहीं. तहज्जुद गुजार है, शब बेदार है, इबादत गुजार है, पर जब मुझसे बात करता है मेरा जिगर चीर के रख देता है. जबान उसकी गंदी है, जबान गलत इस्तेमाल करता है. मैं मां हूं, मैंने दूध पिलाया है. जब वो मुझसे तेजी में बात करता है मेरा जिगर कटता है. आया है. जब औलाद मां बाप से कहती ना तू आज तक मेरे वास्ते कीता की है. अगर ये दुनिया ना होती ना इम्तिहान की जगह तो वही पत्थर पड़ते इन पर. अजीब बात बताऊं, अल्लाह के नबी से पूछा जा रहा है क्यामत कब आएगी? आपने कहा अल्लाह ही जाने. का निशानी बता दें कि करीब आ चुकी है. तो आपने ये नहीं कहा जब शिर्क ज्यादा हो जाए, कुफर ज्यादा हो जाए, जिना ज्यादा हो जाए, शराब ज्यादा हो जाए, सूद ज्यादा हो जाए. आपने क्या कहा? जब तुम देखो कि लोग अपनी माओं से नौकरों की तरह सलूक करने लग जाए, जब फैसलाबाद के नौजवान अपनी माओ को नौकर की तरह झाड़ दें, तो समझो कहीं दाएं बाएं से क्यामत का हमला होने वाला है. तो आपने कहा तू माफ कर दे. कह या रसूल अल्लाह मैं नहीं माफ. उसको नहीं पता कि मेरा बेटा मौत की हालत में आ चुका है, नाराज होकर दूसरी जगह रहे.
माफ कर दे। कहना या रसूलल्लाह मैंने नहीं माफ करना, उसने मुझे बड़ा दुख दिया है। तो आपने कहा बिलाल लकड़ियां इकट्ठी करो और अलकमा को आग लगा दो। हाय हाय, माँ बोली या रसूलल्लाह क्या कह रहे हैं, अलकमा को आग लगाएंगे क्यों? सकरात में है, तूने माफ ना किया तो सीधा जहन्नम में जाएगा और मैंने जला दिया तो बच जाएगा जहन्नम से। नहीं या रसूलल्लाह, एड़ा भी मेरा जिगरा कोई नहीं कि मैं इत्थो ताई में माफ ना करा। मैं माफ कीता। इधर उसने कहा मैं माफ कीता, उधर अलकमा की जबान पे कलमा जारी हो गया। फिर आपने खुद उनका जनाजा पढ़ाया, उनके दफन तक शरीक रहे। फिर वापसी पे फरमाया सुन लो, जिसने मां बाप को दुख दिया उस पर अल्लाह की लानत, उस पर फरिश्तों की लानत, उस पर जमीन आसमान की लानत। न उसकी नमाज कबूल है, ना रोजा कबूल है, ना सदका कबूल है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया फलां कसाई। कसाई ना कोई आबिद ना जाहिद है, ना कोई आलिम ना सूफी ना मुजाहिद ना गाजी, फलां कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम हैरान हो गए, कसाई मेरा साथी किधर बन गया? या अल्लाह कहां है? बाजार में फलां जगह। वहां पहुंच गए, पूछते पूछते भाई फलाना कसाई कड़ा होना कहा जी वो बैठा है, आम कसाई गोश्त बेच रहा है। हैरान देख रहे हैं, शाम ढल गई, गोश्त बिक गया, एक पारचा थैले में डाला, कंधे पे लटकाया, दुकान बंद करके चला। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मैं तेरे नाल आ सकूं? उसने कहा आ जा। उसको नहीं पता ये मूसा है, आ जा। घर पहुंचा, गोश्त साफ किया, बोटियां बनाई, हांडी चढ़ाई और आटा गूंदने बैठ गया। फिर आटा गूंद के उसको रखा, वो खमीर हो गया। फिर इधर सालन उतारा, रोटी पकाई, सालन रोटी तैयार करके थाली में सजाकर एक बूढ़ी ऐसे एक रूई के गाली की तरफ पड़ी हुई खातून, उसको कंधा देकर उठाया और एक एक नवाला बना के उसके मुंह में डाला, खिला खिला के। जब उसने कहा बस, तो उसका मुंह साफ किया। जब उसको लिटाने लगा तो वो बुड़बुड़ाने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई ये कौन है? कहा जी मेरी माँ है, सुबह इसके सारे काम करके जाता हूं, वापस आता हूं तो पहले इसकी खिदमत करता हूं, फिर अपने बच्चों को देखता हूं। तो आपने फरमाया क्या कह रही थी? कहा जी कमली जो हुई, मां जो हुई, जदा एदी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तन्नू जन्नत च मूसा दा साथी बनावे, मैं किथे ते मूसा किथे, मैं किथे ते मूसा किथे। ये मां है मां, जिसकी मर जाए वो फकीर हो जाता है, जिसका बाप भी मर जाओ तो बिल्कुल ही वेला ही हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा का इंतकाल हुआ तो तूर पे आया करते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा संभल के आया करो, दुआ देने वाली चली गई, संभल के आया करो। आप जन्नत में तशरीफ ले गए तो आपको जन्नत में कुरान की तिलावत की आवाज आई। तो आपने कहा ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा जी नौमान बिन हारिफा। नौमान बिन हारिफा बड़े सहाबा, पहले छह सहाबी मदीना के जिन्होंने आपके हाथ पर बैत फरमाई थी नबुवत के ग्यारहवें साल, उनमें से एक है नौमान। तो वो तो मदीने में बैठा हुआ है, आवाज जन्नत में कैसे आ रही है? यहां लाउड स्पीकर से आवाज जा रही, लाउड स्पीकर बंद करो आवाज आगे नहीं जाएगी। नौमान के पास कौन सा माइक और सिस्टम है जिससे मदीने की तिलावत जन्नत में सुनाई दे रही है? तो फरिश्तों ने कहा जी मां का फरमाबरदार है, मां की खिदमत की वजह से जन्नत उसकी तिलावत से गूंजती है। कैसे फरमाबरदार थे? मां के कपड़े खुद धोते थे, बीवी से नहीं धुलाते थे। कितने घरों में ये लड़ाई है, पुत्र आप कुछ नहीं करता, बीवी ना तू कर, तू मेरी मां दी कर, और पागल तू भी तो कुछ कर, तू उसके पेट से निकला है, तू उसके कपड़े धो। मां के कपड़े खुद धोते थे, मां का बिस्तर खुद बिछाते थे, मां के लिए सालन पकाते, रोटी पकाते, सामने बैठ के नवाले बना बना के खिलाते, सर में तेल लगाते, कंघी करते, जुए निकालते, इतने काम मां के किया करते थे। और मां ने कोई काम कहा और समझ में नहीं आया तो दोबारा नहीं कहते थे, अम्मा मोड़ा खेन मैंने पता नहीं लगा,
बीवी को इशारा करके बाहर बुलाते, फिर कहते अम्मा ने क्या कहा था मुझे समझ में नहीं आया। हाय हाय भाइयों, मर तो सब नहीं जाना है, पर जब माएं मर जाती हैं शिराजे बिखर जाते हैं। एक मां 10 बच्चों को संभालती है, 10 बच्चे एक मां नहीं संभालते। और मां बाप काफिर भी होंगे तो औलाद के लिए हाथ उठाएंगे तो अल्लाह आसमानों पर उठाएगा। हाँ, मां बाप ऐसी चीज है, अल्लाह ताला ने कहा तेरे मां बाप काफिर भी हो तो उनकी गुस्ताखी ना करना, इताअत भी ना करना, गुस्ताखी भी ना करना। तो भाइयों, मौत तो सबके लिए है, सारे ही मर जाएंगे, माओ का मरना बड़ा दुख होता है, लेकिन मुसलमान को यह तसल्ली है कि एक दिन अल्लाह जमा कर दे। जन्नत अदन यदखुलूनहा ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم فالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار دنیا میں بہت ایموشنل تھا صحیح میں کہ گائز سو اوکے میں بولتی ہوں پہلے ہاں تو انہوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں مطلب پوری ایسے انہوں نے ایک طریقے سے جس طریقے سے بتائی बहुत अच्छा है ना इनका कन्वे करने का मैसेज। हाँ, मतलब इतना ब्यूटीफुली समझ आता है। हाँ, इतना सॉफ्ट स्पोकन एग्जांपल्स दिए उन्होंने सारे के exactly सारे, जो उन्होंने स्टोरी सुनाई थी वो तो इतनी ज्यादा अच्छी थी। मतलब सामने वाला बंदा, मैं तो खुद पता है इसमें वीडियो नहीं थी, इसमें सिर्फ ऑडियो थी। हाँ, वीडियो में बट हम लोग ना, मेरे मन में तो ऐसे वो चल रही थी वीडियो पूरी। हाँ, मतलब जैसे वो बोल रहे थे ना तो मन में बन रही थी, इतने अच्छी तरह इन्होंने सुनाया और ऊपर से इतनी अच्छी बात इन्होंने कही। ये तो अपने पेरेंट्स को दुखी रखोगे तो तुम्हार को कहीं पे जगह नहीं मिलेगी। और वही मतलब बेसिकली इनका यही था कहने का कि रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, और जैसा हमने वो औलाद वाला जो देखा हाँ, था उसमें पूरा यही था गाइस। तो पूरा ट्रूथ हर जगह देख लो यही पे है, बट इन्होंने जिस तरीके से समझाया तो बहुत ऐसे हार्ट टचिंग बात लगी, और जो कि है इस्लाम सही में है कि माँ बाप इज लाइक वे टू जन्नत। सो दिस इज़ वेरी लाइक ट्रू एंड हार्ट फेल्ट एंड इमोशनल। और इनकी ना बात, मतलब मैंने स्टार्टिंग में कहा था, इनकी बात मतलब ऐसे लगती है बहुत ना फील होती है, बहुत अंदर से वैल्यूज जगाते हैं। हाँ एग्जैक्टली, और जिस तरह से बताते हुए है ना वो भी बहुत अच्छा इनका तरीका है कन्वे करने का मैसेज। मैंने स्टार्टिंग में बोला और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं तो इनके बहुत ज़्यादा कम बयान सुने हुए हैं, मतलब 2-3 बयान ही सुने हैं और आई गेस ये थर्ड या फोर्थ बयान होगा, पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं इनके बयान। मतलब मन में अभी भी मेरे स्टोरीज चल रही है वो जो ये सुना रहे थे। हाँ मतलब जैसे कई जैसे होते ना कि कोई कंट्रोवर्सी हो या कुछ हो, किसी को गलत बोल दे कुछ, ऐसा इनके में कहीं भी मैंने नहीं देखा, कहीं भी मतलब नहीं होता। ये स्पीक्स लाइक इतनी अच्छी बात, वो भी इतने लाइक यू नो साफ दिल से, तो बहुत फील होती है वो चीज़ गाइज। दिस वॉज अ वेरी इमोशनल एंड ब्यूटिफुल बयान, आई वुड से दैट। पता भी नहीं चला कब खत्म हो गया गाइज, बीच में कट्स पता नहीं क्यों हो रहे थे हमारी वीडियो। आई डोंट, हाँ वी डोंट नो, बट गाइज मेरे को बहुत अच्छा लगा सीरियसली। मैं अभी भी मेरे मन में ना वही वाली फीलिंग चल रही है कि पेरेंट्स के जो उन्होंने वो स्टार्टिंग में बोला था वो उनकी मम्मी को। अगर ये गाइज पीटर कॉन्ट्रेस चलती ना हम तो रोने लग जाते, बट वो कट्स हो रहे थे तो बार बार इम्पैक्ट वो टूट रहा था। एग्जैक्टली, और वीडियो भी नहीं थी इसमें। हाँ बट जो इनकी बात है दैट वॉज वेरी लाउड हर्ड, लाउड एंड क्लियर, तो सुन के बहुत अच्छा लगा। प्लस आपको कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं। गाइज इनके और भी ऐसे बयान बताओ जो ऐसे लाइक हमें कुछ नो लाइफ वैल्यूज दे, बिकॉज ऐसे बयान है लाइक मोर हमें कुछ सीखने को मिले। हाँ मतलब बहुत ज्यादा थोड़े मोटिवेशनल भी चीज हो और कुछ ऐसे भी चीज हो जो हमें नहीं पता हो, मतलब आप बता सकते हैं, जो जाके कमेंट्स में बताओ। एंड कैसा लगा आपको हमारा बयान पे रिएक्शन ये भी कमेंट्स में बताना। यस गाइस, और अगर आप चाहते हैं जैसे अभी हमने जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक पे करा है, तारिक जमील, और कोई और भी अगर आप चाहते हैं हम जिन पे करें, सो यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो और सेंड अस योर इंस्टाग्राम। यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय।